अच्छा जी, आपका जो सिस्टम होता है ना जी, उसको जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम उसके अंदर कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। यानी जिस तरह आप अपने प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में नहीं आ गए, तो इस मरहले के अंदर हमने अपने सिस्टम को विजुअली रिप्रेजेंट करना होता है। तो किसी भी सिस्टम को जब आप विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आप उसकी डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं। वो डायग्राम्स मुख्तलिफ हैं, जिनमें से कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी होती है, और ये भी एक डायग्राम है, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, हर डायग्राम का अपना एक फंक्शन होता है। इसके अगर आप पेज नंबर के फंक्शन पढ़ें, जहाँ पे लिखा हुआ है, जिस पेज पे आप हैं ना, उससे पीछे आ जाएं, तो बेसिकली ये एक ऐसी डायग्राम है जो आपके सिस्टम के अंदर सिर्फ डाटा के फ्लो को शो करेगी कि आपका डाटा कौन सी इनपुट से या कहाँ से स्टार्ट होता है, और किस तरह एक सिस्टम में से घूमता हुआ आउटपुट हो जाता है, या जो है ना वो लोग उसको यूज़ करते हैं। सिस्टम की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए ये डायग्राम यूज़ होती है। ओवरऑल देखें, नाम से जाहिर है ये डाटा को शो करेगा। मसलन आप कहते हैं जी कि एक कस्टमर आता है ना, वो सेल्स ऑर्डर देता है। वो सेल्स ऑर्डर जब दे देता है, तो वो प्रोसेस होने में वो कहाँ कहाँ से घूम घूम के जाता है ना, ये सारा पाथ जो है ना वो शो होगा डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर। ठीक है जी। और आपको इसके अंदर जो चीज़ें नज़र आती हैं, इसमें प्रोसेस नज़र आता है आपको, एक्सटर्नल एजेंट नज़र आता है, डाटा स्टोर नज़र आता है, और ये चीज़ें होती हैं, और डाटा फ्लो का सिंबल नज़र आता है। चार चीज़ों पर मुश्तमिल ये डायग्राम होती है। एक्सटर्नल एजेंट क्या है? जिसने वो डाटा आपके सिस्टम में डालना। प्रोसेस वो है कि वो सिस्टम जो है उस डाटा को क्या प्रोसेस करता है। जैसे मैंने अभी आपकी बात की कि हमारे पास सेल्स ऑर्डर आता है ना, तो सेल्समैन जो है वो सेल्स ऑर्डर के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग लगाता है ना, वो तो वो प्रोसेस के ज़रिए हम शो करेंगे। प्रोसेसिंग लगने के बाद सेल्स ऑर्डर जो है वो तब्दील हो जाता है आपके, आप कह लें कि बिल में भी तब्दील हो जाता है, और इसी तरह वो स्टोर में भी चला जाता है जहाँ से चीज़ें निकालनी होती हैं। और ये सारी जो डायग्राम है ना, या इस तरह की जो डायग्राम होगी जो आपके डाटा के फ्लो को शो करती है, ये तो होगी डाटा फ्लो डायग्राम। यहाँ तक बात की समझ आ गई है? अच्छा, फ्लो चार्ट जो होता है ना, ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये उसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है। मसलन आपका डाटा इनपुट हुआ सेल्स ऑर्डर, और आउटपुट हो गया आपका वेरीफाइड सेल्स ऑर्डर। ये समझ लें पहले डायग्राम को, ठीक है? आपने सेल्स ऑर्डर दिया, सेल्समैन ने उस सेल्स ऑर्डर को वेरीफाई करके आपको एक और स्लिप जारी कर दी, जिसका नाम है वेरीफाइड सेल्स ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, अब ये जो जिस प्रोसेस ने इसको वेरीफाई किया है, जब हम उस प्रोसेस की डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसे हम फ्लो चार्ट डायग्राम कहेंगे, जिसके अंदर हम सारे स्टेप लिखेंगे कि किस तरह ये इस प्रोसेस हुआ है, और किन स्पेसिफिकली स्टेप से गुजर कर ये जो है ना वो आपका जो सेल्स ऑर्डर था, ये वेरीफाइड सेल्स ऑर्डर के अंदर तब्दील हुआ। अगर आप नीचे देखें ना, तो डाटा फ्लो मॉडल की एक उसने आपको ना एक डायग्राम बना के दी है, बैंक सिस्टम की, नज़र आ रही है आपको? अच्छा, ये जो डायग्राम है ना पहले वाली, ये डाटा फ्लो डायग्राम है। ठीक है। मसलन आप देखें, अदर इनकम सोर्सेज, एम्प्लॉयर और क्रेडिटर। एम्प्लॉयर आया, उसने डिपॉजिट फंड किया, वो डिपॉजिट फंड जो है वो बैंक अकाउंट में चला गया। आप एम्प्लॉयर से एरो को देखें जरा, एम्प्लॉयर के एरो से। ठीक है। एम्प्लॉयर आया, उसने डिपॉजिट फंड किया, डिपॉजिट फंड जो है वो बैंक अकाउंट्स में चला गया, बैंक अकाउंट का डाटे ने रिकनसाइल किया अकाउंट बैलेंस को, और उसके बाद ये मंथली अकाउंट स्टेटमेंट में भी चला गया। ये नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पे? इसमें जो येलो कलर है ना, ये सारे एजेंट्स हैं, और जो ग्रीन कलर है ये सारे प्रोसेस हैं, और जो, मेरे पास तो सर वो ब्लैक एंड व्हाइट बुक हाँ, है। ब्लैक एंड व्हाइट है। चले, जो चौरस डब्बे हैं ना, गोल कॉर्नर वाले, ठीक है, यानी राउंड राउंड शेप जो रेक्टेंगल है ना, डिपॉजिट फंड इन टू अकाउंट। ठीक है जी, पता चला इसका? ये जो राउंड होता है ना, ये प्रोसेस होता है, और जो बिल्कुल स्क्वेयर होता है, जैसे अदर इनकम सोर्स है, एम्प्लॉयर है, क्रेडिटर है, बैंक है, ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स है ना वो राउंड नहीं हुए हुए। ठीक है। ये एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, और ये जो टू कलर है,
जिसमें लेफ्ट साइड पे कलर नजर आ रहा है और आगे मंथली अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट्स, ये जो है ये डाटा सोर्स कहलाते हैं, जहां जाके आपका डाटा या स्टोर होता है या वहां से इनपुट होता है या वहां से आउटपुट होता है। ठीक है जी, पहले तो आप डाटा फ्लो डायग्राम की चार सिंबल्स को समझ लें कि इसमें कौन कौन से चार सिंबल इस्तेमाल होते हैं और उन चारों सिंबल्स का काम क्या है। ठीक है, एक तो ये स्क्वायर है और एक राउंड शेप है, राउंड स्क्वायर्स है और एक रेक्टेंगल्स है। हाँ जी, और एक और एक एरो, एरोस, एरोस जो है ये डाटा फ्लो है, एरोस, ये चार हो गए। ठीक है, अब देखें उसने बता दिया प्रोसेस इसमें ये चार हैं, एक्सटर्नल इसमें ये चार हैं और डाटा स्टोर इसके अंदर ये हैं। ठीक है, ये उसने बता दिया ना। अब फ्लो चार्ट कहाँ बनेगा भला? फ्लो चार्ट बनेगा जब आप किसी एक प्रोसेस को, पे ए बिल है ना, ये एक प्रोसेस है, जब आप पे ए बिल प्रोसेस के सारे स्टेप्स को बयान करेंगे ना, तो वो चीज जो होगी वो आपकी फ्लो चार्ट कहलाएगी। अब जरा आगे आके आप देखें डाटा फ्लो मॉडलिंग में ना, नीचे वाले पेजेस में आ जाए। हाँ जी, यहाँ पे ही उसने इसको खत्म कर दिया लेक्चर नंबर 8 के अंदर ही। तो ये फर्क है डाटा फ्लो डायग्राम में और फ्लो चार्ट के अंदर। फ्लो चार्ट एक डिटेल्ड होती है किसी एक प्रोसेस की, और डाटा फ्लो डायग्राम हम बनाते हैं पूरे एक सिस्टम की, जो कि उसके अंदर इनपुट आने से डाटा को लेकर आउटपुट के होने तक सारे उसके फ्लो को जो है ना वो शो करता है जी। जो क्रूड ऑपरेशंस है ना जी, ये कहलाते हैं बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट से लेकर छोटे से छोटा जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें ये चार काम ही हो रहे होते हैं। या तो आप अपने डाटा को क्रिएट कर रहे हैं अपने स्टोर के अंदर, या आप अपने स्टोर में पड़े हुए डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या आप अपने डाटा को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और या आप अपने डाटा को डिलीट कर रहे हैं। ये चार ऑपरेशंस जो है ना, ये हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं, चाहे कुछ साइंटिफिक प्रोजेक्ट है, बिजनेस टास्क है, एंड्रॉयड की ऐप है, जो कुछ भी है। आप बैंक के अंदर जाके पैसे जमा कराते हैं ना, तो आपकी ये जो एक ट्रांजैक्शन है ना, इसके अंदर ये तीन ऑपरेशन होते हैं, यानी आपने जितने पैसे जमा कराए ये जाके डाटा में स्टोर होगा तो ये इनपुट हो गया, आपका बैलेंस जो है पहले जितना था वो चेंज होगा तो ये अपडेट हो गया। ठीक है, और आपने जब चेक नंबर दिया था तो वो आपका अकाउंट बैलेंस पुराने वाला पहले निकाल के लाया था तो ये रीड ऑपरेशन हो गया। समझ आ रही है? तो इस तरह ये चार ऑपरेशंस का मजमुआ होती है आपकी जो बिजनेस प्रोसेसिंग होती है। ठीक है जी। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम इट इन अ टॉप डाउन सिस्टम एनालिसिस, एन एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप हाई लेवल व्यू ऑफ द सिस्टम एट फर्स्ट। बेसिकली आप ना कॉन्टेक्स्ट लेवल को समझें पहले तो, यानी आप जब एक सिस्टम की मतलब रफ सी डिजाइन बनाते हैं ना, जिसमें डिटेल नहीं होती, तो वो आपका कॉन्टेक्स्ट लेवल जीरो होता है। ठीक है, फिर आप उसकी मजीद डिटेल बनाते हैं। मसलन मैं आपको एक इसी बुक के अंदर एक डायग्राम है शुरू में, मेरा ख्याल है केमिकल सिस्टम्स की है या मेडिकल सिस्टम्स की है। उसने किया क्या हुआ कि दरमियान में एक बॉक्स यानी राउंड सर्कल लगा के उसका नाम रखा है, और उसके बाद बाकी सारे से इनपुट और आउटपुट दिया हुआ, कोई तफसील नहीं है। ये आपका लेवल ज़ीरो है। फिर आपने क्या किया, आपने उस सिस्टम के चार सब सिस्टम बना दिए। ठीक है, अब आप चार सब सिस्टम्स की डायग्राम बना रहे हैं, ये आप उससे बेहतर लेवल पे आ गए। फिर आप क्या हुआ कि आपने उन तमाम सब सिस्टम्स के अंदर जो प्रोसेस है ना वो भी शो कर दिया, और फ्लो ऑफ डाटा को भी शो कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम बन जाएगा। सिर्फ तफसील का फर्क है, सिर्फ तफसील का फर्क है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेवल चेंज होते हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल जो पहला कॉन्टेक्स्ट लेवल है उसमें मिनिमम डिटेल होगी, और जैसे जैसे लेवल 0, 1, 2, 3 होता जाएगा आपकी डायग्राम। अभी एक तरफ होमवर्क जो आया था, उसमें कॉन्टेक्स्ट लेवल 1 और 2 की बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका मतलब, हाँ उसका मतलब यही था कि आप, हाँ वो उसका मतलब यही था कि थोड़ी बेहतर डिटेल उसमें दें, सिंपल ड्रॉ ना करें उसे। ठीक है ना, अब ये कॉन्टेक्स्ट लेवल आ गई, आगे देखें डिटेल लेवल है। अब जो एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होती है ना, हैज बीन कैप्चर्ड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट लेवल, द एनालिस्ट वुड एक्सपेंड इट्स एक्टिविटीज एंड स्टार्ट डूइंग एट सिस्टम इंटरनल डिटेल। ठीक है,
ठीक है, आपने पहले एक डायग्राम बनाई जिसके अंदर आपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक सर्कल से जाहिर किया और जितने उसके एजेंट्स हैं उनको राइट लेफ्ट रख के उनसे इनपुट आउटपुट करा ली। ये हो गया कॉन्टेक्स्ट लेवल जीरो। फिर आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल वन में क्या किया, आपने उस एक सिस्टम को चार सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया कि जी ये क्रेडिट को डील करता है, वो हो गई कॉन्टेक्स्ट लेवल वन। फिर आपने क्या किया, एक सिस्टम को पकड़ा और उस एक सब सिस्टम को पकड़ के उसकी डिटेल डायग्राम बना दी, जैसे कि हम थोड़ा सा पीछे देख के आए हैं एक डाटा फ्लो डायग्राम। ये हमारे पास डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम होती है जिसमें आप प्रोसेस लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, कि डाटा कहां से आ रहा है, किन प्रोसेस से गुजर रहा है और कैसे प्रोसेस होके वो आउटपुट हो रहा है, ठीक है ना। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये आपकी डिटेल लेवल हो जाती है। ये कह रहा हूं कि जो डाटा फ्लो डायग्राम है ना, ये डिटेल की बुनियाद पे आप इसको लेवल्स में तब्दील करते हैं। जितनी तफसील ज्यादा होगी वो डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम कहलाएगी और जितनी तफसील मिनिमम होगी वो आपके पास कॉन्टेक्स्ट लेवल जीरो, कॉन्टेक्स्ट लेवल वन, इस तरह करके वो आपके सामने कहलाएगी। मसलन ये एग्जांपल देखें आप, ये है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, जीरो लेवल है ये नजर आ रही है आपको, पेशेंट पेशेंट मॉनिटरिंग। देखें आप, सिंपल एक सिस्टम को उसने एक बॉक्स में डाला, बाकी बताया पेशेंट ये करेगा, नर्स ये करेगी, रिपोर्ट इधर जाएगी, पेशेंट लॉग इधर आएगा, ठीक है। ये लेवल जीरो है, इसमें सिर्फ सिस्टम है और ये है। उसके बाद लेवल वन में आ जाएं आप, लेवल वन में क्या किया, उसने उस एक सिस्टम के तीन सब सिस्टम बना दिए, एक लोकल मॉनिटरिंग है, एक सेंट्रल मॉनिटरिंग है, एक रिपोर्ट जनरेटर है, ठीक हो गया। ये आपका लेवल वन हो गया। अब वो क्या करेगा, आगे किसी एक सिस्टम को पकड़ेगा और उसकी तफसील बताएगा। अब ये जो है ना, तीसरी जो डायग्राम है लेवल टू जो है, ये उन जो पिछली डायग्राम में आपके पास तीन बॉक्सेस थे ना, लोकल मॉनिटरिंग, सेंट्रल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट जनरेटर, उनमें से किसी एक की है ये डायग्राम जो लेवल टू है। समझ आ रही है? ये बस ये तफसील बढ़ती चली जा रही है, तो ये लेवल टू डायग्राम आपके पास कहलाएगी, ठीक है। और फिर अब इसमें होता क्या है कि मतलब इसमें अब आप देखें, हम कॉमनली जो मिस्टेक्स करते हैं, अब देखें ये 4.5 पे लिखा हुआ है कॉमन मिस्टेक्स इन डाटा फ्लो डायग्राम। हमने इनपुट और आउटपुट का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो इनपुट है वो आउटपुट में ना हो। मसलन ये उसने पॉइंट्स में लिखा है डायग्राम के नीचे, देखें देयर इज नो इनपुट फॉर द प्रोसेस फ्रीज। आप देखें कि एक प्रोसेस फ्रीज है, उसमें से आउटपुट तो जा रही है दोनों तरफ लेकिन इनपुट कोई नहीं है। समझ आ रही? तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक प्रोसेस में इनपुट आए ना और आउटपुट चली जाए, ठीक हो गया। दूसरा उसने फॉल्ट क्या है, इन ए सिमिलर फैशन द प्रोसेस क्रिएट ए न्यू मेंबर अकाउंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट। जो आपके पास वो मेंबर, हाँ जी इसकी बात कर रहा हूँ ना, जो 4.5 है, 4.5 में आ गया ना कॉमन मिस्टेक्स में, नहीं जो फ्रीज मेंबर अकाउंट है, जनरेट एन एम्प्लॉय रिपोर्ट है, एम्प्लॉय है। अब आप देखें ना इसमें जो ये जो नहीं, ये तो लेवल टू है लेकिन देखें कि फॉल्ट क्या है। फ्रीज मेंबर अकाउंट में देखें दोनों वैल्यूज आउटपुट हो रही है, इनपुट हो ही नहीं रही कोई, ठीक है। अच्छा इसी तरह वो कहता है बैंक स्टेटमेंट में जाएं आप, बैंक स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है, बैंक स्टेटमेंट वाले पार्ट में दो इनपुट आ रही हैं हमारे पास ना, ठीक है। एक तरफ से एम्प्लॉय एड्रेस आ रहा है, दूसरी तरफ से ये आ रहा है, तो आउटपुट जो है ना उसमें एक निकल रही है। अब हमें क्या पता कि किस इनपुट की कौन सी आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरह कॉमनली मिस्टेक्स हमारे पास रह जाती हैं, वो मिस्टेक्स हमारे पास नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी आम मिस्टेक्स होती हैं वो हमारे पास इसमें मतलब देखें आप, पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। सबसे पहली मिस्टेक तो ये होती है इलीगल डाटा फ्लो डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग बिटवीन एजेंट्स, ठीक है। कोई भी डाटा बी, एक सवाल सर मेरा थोड़ा सा देख ले जी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मसलन पहली मिस्टेक ये है कि दो एजेंट्स के दरमियान आपकी डाटा फ्लो की लाइन नहीं होनी चाहिए। एजेंट कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद एन अदर एजेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला, हाँ जी दूसरा इसका हल क्या है कि इसके दरमियान में कोई ना कोई प्रोसेस होगा,
ये नीचे उसने सोल्यूशन भी बताया ना, ऊपर वाली डायग्राम में क्रॉस लगाया उसने कि दो एजेंट्स के दरमियान अगर रिलेशन है तो दरमियान में कोई ना कोई प्रोसेस होगा, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है कि कोई भी एजेंट डायरेक्टली डाटा को, अगले पेज पे आ जाए, कोई भी एजेंट जो है वो डायरेक्टली डाटा स्टोर जो है उस तक जो है ना इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो डाटा स्टोर और एजेंट के दरमियान भी कोई ना कोई प्रोसेस होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, तीसरा देखें कि एक्सटर्नल एजेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को डाटा स्टोर में से एक्सेस भी नहीं कर सकता, जिस तरह वो अपडेट नहीं कर सकता इसी तरह वहां से डाटा को वो रीड भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसे दरमियान में किसी ना किसी प्रोसेस की जरूरत होगी, जो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा रहा है कि B1 होगा और उसके बाद एक प्रोसेस होगा और उसके बाद डाटा स्टोर होगा। अब डाटा स्टोर से डाटा प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस से B1 के पास जाएगा, ठीक है जी। सर, उसके बाद है कॉपियंग डाटा टू ए डाटा स्टोर। एक डाटा स्टोर से दूसरे डाटा स्टोर के अंदर भी डाटा डायरेक्टली नहीं जा सकता, इन दोनों के दरमियान भी प्रोसेस होगा, ठीक है जी। एक नीचे सर देखिए, एक बना हुआ डेटा फ्लो से जो एरो B1, तो ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, इस पे कट नहीं लगा, कट इसमें नहीं लगा हुआ, लेकिन ये अलाउ नहीं है, ठीक है, ये इलीगल ऑपरेशन है, ठीक है, ये भी इलीगल है, लिखा हुआ है उसने ऊपर ना, सिमिलरली एन एजेंट एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन इज आल्सो इलीगल, ठीक है। तो फिर नीचे उसने करेक्ट वर्जन दिया है कि जी आपको जो है ना वो डाटा स्टोर में से ही इसे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद आप देखें कि वो दो डाटा स्टोर भी आपस में डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज को नहीं ले सकते, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आई जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग से क्या हो रहा है सर? अब हम बनाना चाह रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं ना उसके फॉर्म्स या उसके पेजेस कैसे होंगे, ठीक है। फॉर्म्स किस सूरत में होते हैं? जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो, पेजेस होंगे जब आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर आपको पता है बटन होंगे, ये सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब आप अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हो, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या है? प्रोटोटाइपिंग एक टेक्निक है जो जिसके अंदर हम सिस्टम को टेस्ट करने के लिए उसकी मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। और वो मॉडल यूजर को दिखाया जाता है। देखो ना, डाटा फ्लो डायग्राम दिखाना और चीज है और एक बना बनाया सिस्टम दिखाना और चीज है, ठीक है। बेशक उसमें फंक्शनैलिटी ना हो, बेशक उसमें मैं यानी आपको यानी आपके पास वर्ड आ गया, उसके मेन्यूज भी मौजूद है, ठीक हो गया, और आप मेन्यूज भी दिखा रहे हैं कि देखो ये यहाँ पे ऐसे करोगे, ये क्लिक करोगे तो ये वाला फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये इनवाइस प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अभी वो कर नहीं रहा फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम्स हम बनाते हैं और यूजर के सामने भेजते हैं, यूजर उस पर हमें फीडबैक देता है, उससे हमें जो है ना वो पता चल जाता है कि यूजर क्या बनवाना चाहता है। तो प्रोटोटाइपिंग आमतौर पे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की टेक्निक है, कि जब आप जल्दी किसी चीज को बनाना चाहते हैं ना, तो फिर आप उसकी प्रोटोटाइप बना के यूजर को सेंड करें। यानी इसकी एक और मिसाल बड़ी अच्छी मेरे जहन में आ गई है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं ना, आप वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं और आप ना किसी को, क्लाइंट आपसे कहता है जी कि मैं वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप उसको बना के दिखाओगे, इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन, ये कैसे है भला? wix.com के नाम की एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर ना, हाँ, आप उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजों को दिखा सकते हो अपने क्लाइंट को, ठीक है। बिल्कुल। तो अब आप समझ, मैं बता रहा हूँ ना, अब आप उसके अंदर उसको ना बना के दिखा रहे हो कि ये देखो यहाँ हेडर होगा, ये आपका स्लाइडर आएगा। जब आप ये चीजें करके दिखा रहे हो ना विजुअली, आप ये, दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप का मतलब ही ये है कि एक फंक्शनैलिटी के बगैर एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट में बनाकर क्लाइंट को दिखा के उससे उसकी मर्जी और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, ये प्रोटोटाइपिंग है बेसिकली, ठीक है जी। अच्छा सर, ठीक है। प्रोटोटाइप होता है ए मॉडल ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना।
यानी आपके आपने कभी बिल्डिंग के नक्शे को देखा हो किसी ने बना के ना उसको उसको यानी 3D मॉडलिंग करके रखा हुआ है और आप उसको डिटेल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो मॉडल आपके सामने पड़ा हुआ है वो प्रोटोटाइप है उस बिल्डिंग का, ये याद रखिएगा। हाँ बनी नहीं है, वहाँ बस ये ज़हन में रखना है कि प्रोटोटाइप एक विजुअल मॉडलिंग टेक्निक है, ठीक है। हाँ GUI डिजाइन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो जाहिर है प्रोटोटाइपिंग में हम क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी तो बनाते ही नहीं है, हम ग्राफिकल डिजाइन ही बनाएंगे ना जिससे हम उसको उससे वैल्यूज को गैदर कर लेंगे, उसे नजर आ रहा होगा उससे हमें पता चल जाएगा।